हेलो एवरीवन, सो दिस इज योर होस्ट एंड योर इंग्लिश का दोस्त विनीत कपूर वंस अगेन बिफोर यू। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्पोकन इंग्लिश का एक कोर्स जो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम को दूर करने वाला है इंग्लिश की। और आज डे वन से हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये बेसिक यकीन मानिए बहुत प्रैक्टिकल है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस सेशन टिल द वेरी एंड। एक ये छोटा सेशन है, बहुत बड़ा सेशन हम नहीं करेंगे, लेकिन इसमें बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। और एक जो गलती आप अक्सर करते हैं वो आज के बाद नहीं करेंगे। डे वन का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और वो क्या है, हाउ टू मेक सेंटेंसेस। देखिए दोस्तों, याद रखिए कि आपकी जो बड़ी गलती होती है वो होती है सेंटेंसेस को फ्रेम करने में, और उसका कारण यह है कि हम सेंटेंसेस को समझ नहीं पाते। आज मैं प्रैक्टिकल तरीके से, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आपको यह समझाऊंगा कि ये सेंटेंसेस को फ्रेम कैसे करते हैं, कैसे फ्रेम करें जिससे हमसे यस गलती ना हो। तो आज हम एक एक करके देखेंगे और बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। लर्न इंग्लिश विजिटर को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और हां याद रखिए हमारी वेबसाइट है vinitwithvinit.in, और ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर 9648396484, और ये रहा हमारा टेलीग्राम का लिंक। लेकिन जो मैं आज आपको बताने वाला हूं वो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मैं आपको बताऊंगा। हम हिंदी में इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे, यानी हिंदी कैसे सोचें और बोलें, ट्रांसलेशन नहीं करनी है। ये ट्रांसलेशन नहीं है, यकीन मानिए। ट्रांसलेशन तो ये होती है कि वह बाजार जाता है, गोस टू मार्केट। नहीं, मैं आज आपको साइंस समझाने वाला हूं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हमारा जो दिमाग है उसको एक सेट पैटर्न दीजिए, और वो पैटर्न को आप बार बार करिए। जैसे जैसे आप रिपीट करेंगे तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, और हमेशा जब भी आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत पड़ेगी ये ऐसे ही करेगा। ओके, देखिए याद रखिए कि जब हम हिंदी में करते हैं तो हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं, हिंदी, वह खाना खा रहा है, या वो भूखा है, या वो खाना खा सकता है। अब ये तीन तरह के अलग सेंटेंसेस हैं जो तीन तरह की अलग चीजें बता रहा है। तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि कोई भी सेंटेंस, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, वो एक खास चीज को दिखाता है, खास चीज को बताता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये वाला सेंटेंस क्या बता रहा है? ये वाला सेंटेंस ट्रांसलेशन नहीं, नो ट्रांसलेशन। अगर आपने अभी कमेंट सेक्शन में कहीं पर ट्रांसलेशन लिखी है तो आई एम सॉरी टू से, आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू दैट। मैंने आपसे वो करने को नहीं कहा और ना ही मैं कहूंगा। मैं तो आपसे आपके माइंड को क्या पैटर्न देना है जिससे कि वो सही इंग्लिश बना सके, बोल सके, गलती कम से कम करें, करेगा लेकिन कम से कम, वो करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें कि ये कैसा एक्शन बता रहा है, ये हमें बता रहा है बिल्कुल ऐसा एक्शन जो हो रहा है, यानी कोई चीज, कोई प्रतिक्रिया हो रही है, इसमें एक एक्शन है। सो इफ यू लुक एट दिस सेंटेंस देयर इज एन एक्शन, बट इफ यू लुक एट दिस सेंटेंस देयर इज नो एक्शन। वो भूखा है, इसमें एक्शन कहां है? तो इसमें क्या है भैया? इसमें स्टेट है, देयर इज अ स्टेट हियर। ये स्टेट क्या होती है? स्टेट होती है आपकी अवस्था। जैसे मैं कमजोर हूं, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं थका हुआ हूं, नहीं? तो भैया ये सारी के सारी चीजें क्या होती हैं? ये होती है हमारी स्टेट, और ये बिल्कुल अलग चीज है दोस्तों। इसको इंग्लिश में कहते हैं मूड। ये एक खास मूड बता रहा है कि वो खाना खा सकता है, यानी वो और खाना खा सकता है। अगर मुझे ये कहना हो तो वो सकता है वाला जो काम करता है वो मूड काम करता है। तो याद रखिए कि जब मैं हिंदी को देखता हूं, यानी कि किसी भी लैंग्वेज को, तो आप ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं, आप उसमें एक्शन दिखाते हैं, आप उसमें स्टेट दिखाते हैं, आप उसमें मूड दिखाते हैं। अब जब हम इसको इंग्लिश में देखते हैं तो वो क्या करता है? तो मैं आपको बताता हूं वो क्या करता है। जब हम इसी सेंटेंस को इंग्लिश में देखेंगे तो वो कहेगा कि ये जो एक्शन है इसके लिए लगाइए एक्शन वर्ब। वो कहेगा जो ये स्टेट है इसके लिए लगाइए स्टैटिक वर्ब। और वो ये कहेगा कि जो ये तीसरे वाला सेंटेंस है जिसमें आपने मूड बताया है उसके लिए लगाइए मॉडल। और दोस्तों ये बहुत काम की चीजें हैं तीनों। तो आपको सबसे पहले ये आना चाहिए कि एक्शन वर्ब क्या होता है, फिर आपको ये आना चाहिए कि स्टैटिक वर्ब क्या होता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज द कॉमनेस्ट स्टैटिक वर्ब इन इंग्लिश? ऐसे कौन सा वर्ब है जो स्टेट बताता है? भाई मॉडल्स बहुत सारे हो सकते हैं, एक्शन तो अनगिनत होते हैं, एक्शन वर्ब आई मीन, लेकिन ये स्टैटिक वर्ब,
ये कुछ खास ही होते हैं। तो यार जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए ये कौन से होते हैं, बताया क्या आपने, बताया? ओके, मैं आपको बताऊंगा। देखिए याद रखिए कि इसमें जब हम कह रहे हैं कि ये एक्शन वर्ब है तो इसमें एक खास वर्ब है वो आपको देखना है। तो मुझे वो वर्ब दिखाई दे रहा है, वो वर्ब खाना नहीं है, वो ये वाला खाना है, खा रहा है। कैन यू सी दिस एक्शन वर्ब हियर? भूखा है, भूखा उसकी स्टेट है। सकता है वो मॉडल है। तो वो आपको आमतौर पर लास्ट में मिलेगा वो जो वर्ब होगा। तो जब हम हिंदी या अपनी किसी लैंग्वेज में देखते हैं तो वो हमें बाद में मिलता है, लेकिन इंग्लिश के साथ ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर्स दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि आप कैसे सेंटेंसेस को सही बनाना सीख सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक चीज तो कॉमन है हिंदी में या इंग्लिश में। अगर आपने यहां पर ध्यान से देखा हो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में सब्जेक्ट कहां आ रहा है, टेल मी वेयर इज द सब्जेक्ट। तो आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो सब्जेक्ट हमारा कहां पर आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है शुरू में। डू सी दिस? अब लेकिन सब्जेक्ट के बाद अगर हम वर्ब पर निगाह डालेंगे तो हिंदी में जो वर्ब आता है वो आता है दोस्तों बाद में। ये देखिए खा रहा है, ये वर्ब है, बाद में आ रहा है। भूखा है, ये स्टेट है, ये वर्ब है। खाना खा सकता है, लास्ट में आ रहा है। लेकिन अभी मुझे पता चल गया ये एक्शन वर्ब है, ये स्टैटिक वर्ब है और ये मॉडल है, मतलब मुझे ये चाहिए। तो अगर चाहिए तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अब मैं पहुंचा स्टेज टू पर, वो मेरी स्टेज वन थी जहां पर मैंने ये देखा कि मुझे वर्ब कौन सा चाहिए। अब स्टेज टू में क्या है? तो भैया स्टेज टू में आपको स्ट्रक्चर चाहिए होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि आप जब भी कोई वर्ब देखेंगे, अच्छा एक चीज का ध्यान रखिए, इंग्लिश में सबसे पहले आप निगाह डालेंगे वर्ब के ऊपर, क्योंकि वही सबसे जरूरी है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो मैंने जैसे हिंदी में यहां पर देखा था खा रहा है, ऐसे मुझे यहां पर देखना है कि ये खा रहा है। अच्छा ये बात होती है टेंस की, जिसको मैं इस सेशन की जो वीडियो है, ये जो वीडियो है, इसके बाद जब मैं वीडियो कराऊंगा जो डे टू की वीडियो होगी, उसमें मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल तरीके से टेंसेस को समझाऊंगा कि आप टेंसेस को बिल्कुल परेशान हुए बगैर कैसे एकदम से आप उसको बता सकते हैं कि अच्छा ये टेंस है, इसमें ये स्ट्रक्चर लगेगा। इट्स ऑल अबाउट स्ट्रक्चर, इट्स नॉट अबाउट ट्रांसलेशन। तो अगर आप ध्यान से देखें कि एक्शन वर्ब की जब हम बात करती हैं तो अक्सर आपको एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है, और अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद क्या होगा, एक्शन वर्ब, ये स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब मैं इसका स्ट्रक्चर देखता हूं, यानी स्टैटिक वर्ब का स्ट्रक्चर, तो मुझे देखना होता है स्टैटिक वर्ब कौन सा होता है। मैंने अभी आपसे पूछा, तो अगर आपने बताया कि बी आएगा तो आपने बिल्कुल सही बताया। अब बी की भी अलग अलग फॉर्म होती है, बी की प्रेजेंट फॉर्म होती है इज एम आर, पास्ट फॉर्म वॉज वर, और परफेक्ट फॉर्म होती है हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। इनका इंग्लिश में बहुत इस्तेमाल होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर सेंटेंस ऐसा है तो मैं ये वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग करूंगा, मैं अभी आपको स्ट्रक्चर भी दूंगा। अगर सेंटेंस ऐसा है तो मैं ये स्ट्रक्चर लगाऊंगा, और अगर मेरे पास सेंटेंस मूड वाला है तो इसका मतलब मैं वो मॉडल लगाऊंगा जिसकी उसने वहां बात की है, वहां पर वो बात प्रोबेबिलिटी की कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि वो खाना खाए और खाना खाए। ओके, तो चलो देख लेते हैं हमारे पास आगे क्या क्या आता है। तो ये हमारी स्टेज टू थी। आज मैं आपको चार स्टेजेस में, अलग अलग फोर स्टेजेस में बताऊंगा कि आप कैसे सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये रही मेरी स्टेज थ्री। अभी अगर आपने ध्यान से देखा हो कि हमने वही सेंटेंस लिया है, लेकिन हम एक एक करके स्टेज पर आ रहे हैं। तो मेरी तीसरी स्टेज में मैं देखूंगा टेंस क्या है। इसको मैं अगले सेशन में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो याद रखिएगा, जो डे टू की वीडियो है उसको आपने जरूर देखना है, डोंट मिस दैट वीडियो, डे टू वीडियो। तो वो खाना खा रहा है, मेरे पास ये सेंटेंस है, तो इसका मतलब हुआ कि मैं क्या लगाऊंगा, मेरे पास हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो मैंने लगाया इज, क्योंकि ये प्रेजेंट का है, खा रहा है, खा रहा था नहीं, खा रहा है। इसको मैं कल एक्सप्लेन करूंगा बाय द वे। और अगर आपको कभी भी ये आया रहा है तो आप इसमें क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ये मेरा स्ट्रक्चर है। तो मैं अभी स्ट्रक्चर से टेंस के स्ट्रक्चर की तरफ पहुंच गया। ओके, अब मैं अगर ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करूंगा तो मुझे फिर क्या लगाना है, मुझे बी लगाना है। अब मुझे यह देखना है बस कि अभी तक तो मैंने देखा था बी लगाना है, तो बी कैसा लगाना है, प्रेजेंट का या पास्ट का, प्रेजेंट का। अब अगर मैं प्रेजेंट का बी लगाऊंगा तो मुझे क्या चाहिए, प्रेजेंट का बी इज एम आर, पास्ट का बी वॉज वर, मैंने भी आपको बताया। तो मुझे यह पता चल गया प्रेजेंट का बी।
अब प्रेजेंट का बी किसके हिसाब से लगेगा? सब्जेक्ट के हिसाब से। तो बताइए इसे एमआर में क्या लगेगा? तीनों में से एक लगना है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आंसर। यस, इससे आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। और जो तीसरा है वो जो मैंने आपको बताया था कि मूड वाली बात है, इसमें हम प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं तो हम मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी के लिए बाय द वे हम माइट का, कैन का, मे का, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कभी कभी। ओके, डिपेंडिंग अपॉन प्रोबेबिलिटी की इंटेंसिटी क्या है वो मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे, आप जब भी मॉडल लगाएंगे तो उसके आगे एक्शन वर्ब लगाएंगे। ओके, और एक्शन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे ये मैं भी आपको बताऊंगा। या तो एक और स्टेज पे चलते हैं जो है हमारी स्टेज फोर। हम बहुत करीब आते जा रहे हैं सेंटेंस को सही बनाने में। वाह, अब आएगा मजा। अब मेरा बनेगा सेंटेंस का प्योर स्ट्रक्चर, यानी कि यहां पर मैं था तो अब मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप लगाओगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाओगे इज, उसके बाद लगाओगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और वर्ब कौन सा है इसमें? खाना। ये वाला खाना नहीं, ये वाला खाना। ओके, और वो भूखा है, अगेन सब्जेक्ट लगाओगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर लगाओगे। अब ये जो इज एम आर है इसके बाद अगर वो स्टेट बता रहा है तो एडजेक्टिव लगेगा, अगर एग्जिस्टेंस बता रहा है तो वो नाउन लगेगा, और कभी कभी तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगती है लेकिन वो होता एडजेक्टिव ही है, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इसके बारे में फिर बताएंगे किसी दिन, लेकिन अभी आप निगाह यही रखिए। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल बेसिक से, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तो एक और चीज को देखते हैं कि जब मैं प्रोबेबिलिटी यानी कि मैं मॉडल की बात करता हूं तो मैं हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा, सब्जेक्ट लगाऊंगा, मे लगाऊंगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यह मैंने भी आपको बताया था। अब मैं तैयार हूं अपने सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए। तो अब हम चलते हैं आखिरी स्टेज यानी फॉर्मिंग सेंटेंस। ओके, वो खाना खा रहा है, इसका मतलब इसकी इंग्लिश होगी सब्जेक्ट, ही इज ईटिंग फूड। अब आप जल्दी से मुझे लिखकर बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं खाना खा रहा हूं इसकी इंग्लिश क्या होगी? मैं खाना खा रहा हूं इसकी इंग्लिश क्या होगी? वे सब खाना खा रहे हैं इसकी इंग्लिश क्या होगी? लिखा गया कमेंट सेक्शन में, यस। तो याद रखिए दोस्तों, इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, जो चेंज होगा वो ये, क्योंकि जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आता है तो वो एक लगभग फाइनाइट वर्ब का काम करने लगता है, यानी कि वो चेंज होने लगता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। डू गेट माय पॉइंट? और ये पूरा के पूरा एक वर्ब का काम करता है, ये पूरा के पूरा एक वर्ब का काम करता है। तो आपने आई के साथ पक्का एम लगाया होगा, आपने यू के साथ आर लगाया होगा, लगाया कि नहीं? तो बस, आई एम ईटिंग फूड, दे आर ईटिंग फूड, ही इज ईटिंग फूड। एंड सेम वे अगर मुझे कहना है वो भूखा है, ही इज हंग्री। नाउ लुक एट दिस, कैन यू टेल मी व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ हंग्री? जल्दी बताओ पार्ट ऑफ स्पीच क्या है हंग्री की, अदरवाइज आई विल बी एंग्री। बताया? यस, इट इज एडजेक्टिव। मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था स्टेट बता रहा है, ये कभी कभी एग्जिस्टेंस भी बताता है, जैसे आई एम अ टीचर, ये मेरा एग्जिस्टेंस है तो मैं नाउन लगाऊंगा, और अगर वो काउंटेबल नाउन है उससे पहले ए लगाऊंगा। देखिए ये छोटे छोटे रूल्स होते हैं जो मैं आपको धीरे धीरे करके बताएंगे, अभी तो आपकी पहली क्लास है, आराम से सीखिए, मौज करिए और इसी को प्रैक्टिस कीजिए। या और जो तीसरा है वो क्या था? वो था ये, वो और खाना खा सकता है। अब मैंने कर दिया, अब मैंने क्या किया, मे की जगह कैन लगा दिया। देखिए, ही कैन ईट मोर फूड। नाउ मैंने क्यों लगाया ये? मैंने जान के लगाया कि मॉडल जो है वो खतरनाक होते हैं। अब मॉडल में प्रोबेबिलिटी और कैपेबिलिटी कभी कभी दोनों ओवरलैप कर सकती हैं। मैं यहां पर ये भी कह सकता हूं कि वो प्रोबेबिलिटी बता रही है कैन, और मैं ये भी कह सकता हूं कि वो कैपेसिटी बता रही है, उसकी एबिलिटी नहीं कैपेसिटी बता रही है कि वो और खाना खा सकता है, भूखा है भाई। या सो ही कैन ईट मोर फूड, ये दोनों चीजें बता सकता है। तो इसीलिए मैंने पहले वाले, अगर आपने स्लाइड देखा वहां पर मे बताया था, यहां मैंने कैन बताया, दोनों मॉडल है। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो दोस्तों याद रखिए आप सेंटेंसेस को बिल्कुल सही तरीके से बना पाएंगे। एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूं मैंने क्या किया था। मैंने पहले देखा था वर्ब कैसा है, क्या वो स्टैटिक वर्ब है, क्या वो वर्ब मॉडल है, क्या वो एक्शन वर्ब है, सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में। अभी मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, आपने मुझे करके देना है। और फिर मैंने देखा कि उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है,
देन आई वेंट थ्रू द टेंस, इसकी टेंस क्या हो सकती है और फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर टोटल क्या हो सकता है और लास्ट में मेरा बन गया सेंटेंस फॉर्मेशन। ये जो फॉर्मूला है, देखिए मैंने बहुत सारी चीजें ऐसे कराई हैं कि मैंने उनको फोर स्टेप्स में कराया है, और आप भी इसकी कोशिश कीजिए, हर चीज को चार भागों में डिवाइड कीजिए, चार छोटे भागों में। जब आप इनको चार भागों में डिवाइड करेंगे तो काम आसान हो जाएगा, आपको याद रखने में आसानी होगी। और उसके बाद क्या करिए, उसी का एक हिस्सा होता है, किसी दिन मैं आपको बताऊंगा, हमारा एक फॉर्मूला है DTPS, ओके, उसमें मैंने बहुत सारी वेबिनार भी किए हैं, मेरी कोई वेबिनार हो तो आप जरूर अटेंड कीजिएगा उसको, मैं उसमें बहुत कराता हूं, एंड आई हैव सीन पीपल एक्चुअली गेटिंग ट्रेमेंडस रिजल्ट्स विद दिस फॉर्मूला। डिवाइड एवरीथिंग इनटू फोर स्मॉल पार्ट्स एंड इट बिकम्स इजियर। तो मैंने इसको भी चार पार्ट में देखिए डिवाइड किया और आपके सामने पेश किया, ओके। अब एक असाइनमेंट नोट कर लीजिए जो सब लोगों ने करना है, एवरीबॉडी विल डू दैट। तो आपने क्या करना है, मैं आपको यहां पर पांच सेंटेंसेस दे रहा हूं इसी फॉर्मूले से। देखिए मुझे ट्रांसलेशन नहीं चाहिए, आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट योर ट्रांसलेशन पार्ट, व्हाट आई एम बॉदर्ड अबाउट इज योर प्रैक्टिस पार्ट, योर प्रोसेस पार्ट। इफ द प्रोसेस इज ओके देन द रिजल्ट विल बी फाइन। रिमेंबर दिस इन लाइफ, आपका प्रोसेस और आपकी प्रैक्टिस आपके रिजल्ट को डिसाइड करता है। ध्यान रखिएगा, क्या बोला मैंने, पी इज इक्वल टू आर, पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर, याद रहेगा। और हां उसमें एक चीज जोड़ लीजिए, मैं अभी आपको बता देता हूं कि एक फार्मूला जोड़ लीजिए और वो फार्मूला क्या है, पी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू आर। कैन समबडी टेल मी इसका मतलब क्या हुआ, कैन समबडी टेल मी। तो मैं आपको बताता हूं, पी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू आर मीन्स पी स्क्वायर मैंने किया है तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोसेस कैसा है आपका। सबसे पहले प्रोसेस ठीक होना चाहिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर गलत प्रोसेस को प्रैक्टिस करोगे तो हमेशा गलत रिजल्ट्स आएंगे, और बार बार प्रैक्टिस करोगे तो गड़बड़ ज्यादा हो जाएगी, ओके। और उसके बाद ये सी का मतलब बताओ क्या होता है, जल्दी से बताइए, कंसिस्टेंसी एंड दे प्रोड्यूस ट्रिमेंडस रिजल्ट्स। ये मैंने आज आपको फॉर्मूला दिया है और आप जिंदगी में किसी भी चीज में इसको अपना कर देख लीजिएगा, मैंने बहुत बार अपनाया है एंड आई हैव गॉट सम ट्रिमेंडस रिजल्ट्स। तो मैं आपको क्या देने जा रहा हूं, मैंने आपको ये पांच सेंटेंसेस दिए हैं, ओके, यू हैव टू कन्वर्ट फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, बट रिमेंबर वन थिंग, आई वॉन्ट द सेम प्रोसेस। पांच सेंटेंसेस की आपने इंग्लिश बनानी है, सेम प्रोसेस। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप एक सेंटेंस की कमेंट सेक्शन में प्रोसेस के साथ बताएंगे, पहले मैंने ये देखा, फिर मैंने ये देखा, थर्ड प्रोसेस वाज दिस, फोर्थ वाज दिस, एंड आई कुड मेक द करेक्ट सेंटेंस। या होप यू लाइक इट, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लर्न इंग्लिश विद जीरा को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। और ये रहा हमारी वेबसाइट का एड्रेस, और ये रहा हमारा व्हाट्सएप 9648396484, ऑफ कोर्स वी हैव गॉट अ टेलीग्राम ग्रुप एज वेल, और आप हमें वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, फॉर नाउ दिस इज ऑल फ्रॉम योर होस्ट एंड योर इंग्लिश का दोस्त, बट विल मीट अगेन इन डे टू ऑफ द सेम कोर्स। सी यू अगेन एंड विल हैव सम प्रैक्टिस सेशंस आल्सो इन बिटवीन। ओके, प्रैक्टिस सेशन को मिस मत करिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। फॉर नाउ दिस इज ऑल फ्रॉम योर होस्ट एंड योर इंग्लिश का दोस्त विनीत कपूर साइनिंग ऑफ। लेट्स विन इट विद विनीत। बाय बाय, टेक केयर।